फिल्म रिलीज हुई है संजू। फिल्म के लीड रोल्स में है रणबीर कपूर, विकी कौशल और परेश रावल। जी हाँ, देखा जाए तो फिल्म के लीड एक्टर्स सिर्फ यही तीनों हैं। बाकी सबके रोल्स या तो छोटे हैं या फिर वो गेस्ट अपीयरेंस में हैं। ये कहानी इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, संजय दत्त के दोस्त और उनके पापा, जिन्होंने उनकी जिंदगी को काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया है, उनकी जिंदगी को साथ में जिया है, उनके करियर के ग्राफ को चढ़ते देखा है और इसी ग्राफ को उन्होंने गिरते हुए भी देखा है, ऐसा हमें फिल्म देख के पता चलता है। जी हाँ, डायरेक्टर राजू हिरानी ने यही सब फिल्म में दिखाया है। फिल्म में संजय दत्त की लाइफ की दो इम्पोर्टेंट घटनाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है, एक तो उनकी ड्रग्स लाइफ और दूसरी AK-56 राइफल। इन्हीं दोनों घटनाओं को स्पेशली फिल्म में टारगेट किया गया है, जो कि सही भी है क्योंकि यही दोनों घटनाएं उनकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट थे और ऑडियंस को भी यही सब जानने में ज्यादा इंटरेस्ट रहा होगा। फिल्म की शुरुआत होती है संजय दत्त की नॉवेल को लिखने को लेकर, लेकिन फ्लैशबैक में फिल्म की शुरुआत होती है फिल्म रॉकी की शूटिंग से, जो कि शुरू हुई थी 1981 में और जिसका डायरेक्शन किया था खुद सुनील दत्त ने। सुनील दत्त एक सख्त पिता थे जिसकी वजह से बाप बेटों के रिश्तों के बीच में कुछ दूरी बन गई थी। फिल्म में संजय दत्त के कैरेक्टर को ज्यादा ग्लोरीफाई करके नहीं दिखाया गया है, बल्कि इस फिल्म के माध्यम से उनकी लाइफ में घटित छोटी छोटी घटनाओं को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म को उनकी लाइफ के तथ्यों और घटनाओं के नजदीक रखने की कोशिश की गई है, लेकिन साथ ही साथ फिल्म को सिनेमेटिक भी रखा गया है क्योंकि आप तो जानते हैं कि फिल्म अगर कॉमर्शियल ना हो तो थिएटर्स खाली मिलते हैं। संजय दत्त की ड्रग्स की लत, उनकी गर्लफ्रेंड्स, फिर टाडा, टेररिस्ट, इन सब चीजों को दिखाने में कमी नहीं की गई है। शुरू में ड्रग्स से कॉन्फिडेंस आने वाली बात थोड़ी खटकती जरूर है कि कहीं ये आने वाली नई पीढ़ी को ड्रग्स के लिए प्रोत्साहित ना करे, लेकिन आगे चलकर ड्रग्स की वजह से जो संजू की हालत दिखाई गई है, नो डाउट वो एक अच्छा मैसेज देती है। फिल्म में संजू की जिंदगी के कड़वे सच को दिखाने के साथ साथ सुनील दत्त के संघर्षों को भी उजागर किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म एक ट्रिब्यूट है सुनील दत्त साहब को। एक्टिंग की बात करें तो रणबीर कपूर इस फिल्म में फैबुलस लगे हैं। बार बार फिल्म देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं संजय दत्त के कैरेक्टर के अंदर घुसने के चक्कर में कहीं किसी सीन में वो ओवर एक्टिंग ना कर जाए, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान उन्होंने उस लाइन को मेंटेन करके रखा जो कि एक्टिंग और मिमिक्री के बीच होती है। परेश रावल फिल्म के दूसरे लीड एक्टर हैं, जिनकी कद काठी रंग रूप सुनील दत्त से मैच ना होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के जरिए फिल्म में सुनील दत्त को जिंदा किया है। उनकी ये परफॉर्मेंस सालों तक याद की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं फिल्म के तीसरे लीड एक्टर विकी कौशल की, जिन्होंने इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से ये प्रूव कर दिया है कि आने वाले टाइम में वो बॉलीवुड पर राज करने वाले हैं। फिल्म में रणबीर कपूर अगर तारीफ के काबिल हैं तो किसी भी तरह से विकी कौशल को कम नहीं आंका जा सकता। उन्हें फिल्म में अपनी प्रेजेंस दिखाने का पूरा मौका मिला, जिसे उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। वो फिल्म में एक मजबूत कड़ी बन के उभरे हैं। बाकी के एक्टर्स में मनीषा कोराला अपनी छाप छोड़ती नजर आती हैं। इसके अलावा जिम सरब एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में नजर आते हैं और उन्हें अपने कैरेक्टर को अलग तरीके से निभाने की कला बखूबी आती है, जो कि इस फिल्म में दिखाई भी दी है। सोनम कपूर फिल्म में कुछ ज्यादा नहीं कर पाई क्योंकि उनका रोल भी काफी छोटा था। बोमन ईरानी अपने छोटे से कैरेक्टर में अच्छे लगे हैं। अनुष्का शर्मा फिल्म के बीच बीच में कुछ देर को आती रहती है और उनका स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि फिल्म में तीन ही लीड एक्टर हैं, वो है रणबीर, परेश और विकी। एक फिल्म बायोग्राफी वो होती है जो एक इंसान के 60 सालों की घटनाओं को 2-3 घंटे में पर्दे पर दिखाना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर चीज को तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन फिर भी जो चीज लोगों को पता है या फिर जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, आप उन चीजों को फिल्म में मिस नहीं कर सकते। जैसे कि संजय दत्त की पहली वाइफ, उनकी बेटी और मान्यता दत्त से उनकी शादी कैसे हुई, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिनके बारे में थोड़ा बहुत फिल्म में बताना जरूरी था। फिल्म का म्यूजिक एकदम एवरेज है, कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो कि आप थिएटर में सुनने के बाद घर जाके गुनगुना सके, बट अच्छी बात यह है कि इन गानों के साथ साथ फिल्म की कहानी भी आगे बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से आप बोर फील नहीं करेंगे। फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा है, आपको एंगेज करके रखता है, लेकिन अगर आपको इस फिल्म का पूरा मजा लेना है तो आपको पेशेंस रखने की सख्त जरूरत है। पेशेंस नहीं है तो फिल्म को आप पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिल्म में कई जगह VFX का काम काफी अच्छा है, खास तौर पे मुन्ना भाई MBBS के 2-3 सीन्स में। फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है, जिसमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि 80s में रणबीर कपूर के पहने हुए कपड़े, जैसे कि उनके बेल बॉटम वाली पैंट, और फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वक्त के साथ साथ बदलते उनके कपड़े, उनके हेयर स्टाइल्स का स्पेशली ध्यान रखा गया है। विकी कौशल के शुरुआती सीन्स में उनके बोले गुजराती एक्सेंट
और उसके बाद 20 साल यूएस में रहने के बाद उन गुजराती एक्सेंट में जो बदलाव आता है उन चीजों पर भी काफी ध्यान दिया गया है। फिल्म में बहुत सारे इमोशनल सीन्स देखे जा सकते हैं। क्लाइमेक्स से ठीक पहले वाला इमोशनल सीन ऑलमोस्ट आपको रुला देगा। इस सीन में स्क्रीन प्ले, वॉइस ओवर और एडिटिंग का बेस्ट कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। फिल्म का इंटरवल ब्लॉक अच्छा है, जो कि एक बहुत बड़े क्वेश्चन के साथ आता है। फिल्म के लोकेशंस खूबसूरत हैं, ऑब्वियसली फॉरेन के लोकेशंस हैं तो खूबसूरत होंगे ही। फिल्म में पुराने गानों से कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है। मैंने भी नेगेटिव कमेंट्स को बचाने के लिए इस फिल्म में दिखाए गए एक पुराने सॉन्ग को अपनाया है और वो सॉन्ग है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो दोस्तों फिल्म अच्छी है, एंटरटेनिंग है, अच्छे एक्टर्स की शानदार एक्टिंग फिल्म में देखी जा सकती है। कुछ खामियों को नजरअंदाज करना होगा, जैसे कि पहली वाइफ को गोल कर जाना, बेटी को गोल कर जाना या फिर म्यूजिक का एवरेज होना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप पेशेंस बनाए रखिएगा ताकि आप इस फिल्म को एंजॉय कर सके। मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।